नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, गणेश चतुर्थी आ गई है, गणेश जी आ चुके हैं और गणेश जी के आने के साथ हर साल हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। त्योहारों का मौसम आ जाता है, खुशियों का मौसम आ जाता है, खुशहाली, हरियाली, शॉपिंग, ढेर सारा धन, ढेर सारी खुशियाँ, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इस समय से शुरू हो जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे 11 मंत्र देने वाला हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। जी हाँ, ये मंत्र बिल्कुल स्विचवर्ड की तरह है, वैदिक स्विचवर्ड। गणेश जी के 11 नाम, या यूँ कहें गणेश जी को पुकारने वाले 11 नाम, गणेश जी को जो हम पुकारते हैं उनकी तारीफों में, तो उन नामों के पीछे क्या गहन अर्थ है, अगर आज हम समझ गए तो हम इसका सबसे अधिक लाभ उठा पाएंगे। तो आइए समझते हैं गणेश जी के ये 11 नाम, 11 मंत्र, वैदिक स्विचवर्ड, मंत्र और उसके उद्देश्य। ये सारी चीज़ों को, ये 11 मंत्रों को मैंने अपने मनी रिकी की इस किताब में भी बहुत अच्छे से संभाल कर लिखा हुआ है और इसे ही पढ़कर आज मैं आपको बताऊंगा। जो लोगों ने भी मनी रिकी सीखा है मुझसे, वो तो खैर इसे जानते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये मेरी ही लिखी हुई किताब है तो मैं इसे बहुत अच्छे से खुद देख कर पढ़ूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो गणेश जी के 11 नामों को आज हम समझते हैं, 11 मंत्रों को समझते हैं। सबसे जो जान जिसे हम जानते, देखो ऐसा जो मैं 11 की 11 बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपने इसे कभी सुना नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन इसका मतलब जानने के बाद, इसके पीछे का उद्देश्य जानने के बाद यह आपको नया लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ओम गजननाय नमः। उद्देश्य, व्यक्ति को अहंकार छोड़ने के लिए और एक विनम्र और कर्तव्य भरा जीवन जीने में मदद करता है। भगवान गणेश का ये नाम, जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें अहंकार छोड़ने में मदद मिलती है, अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए हमें मदद मिलती है, और हमें जब हम अपने कर्तव्य का वहन करते हैं, सुख से जीते हैं, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। तो गणेश जी का यह नाम अगर आप जपते हैं, पुकारते हैं, तो आप में ये शक्ति आएगी। और ऐसे ही आगे जो मैं आपको बताऊँगा, तो इन मंत्रों से हमें कौन सी शक्ति मिलती है, इन स्विच वर्ड्स से, इन वैदिक स्विच वर्ड्स से हमें क्या स्विच शक्ति मिलती है, ये आपको समझ में आएगा। नंबर दो है ओम एकदंताय नमः। गणेश जी को एकदंता के नाम से भी जाना जाता है, और ये मंत्र का उद्देश्य है एक विनम्र धर्ममय जीवन जीने में सहायता करता है। आप विनम्र होते हैं, सहज होते हैं, सुखद होते हैं और अपने धर्म का वहन करते हैं जब भी आप इस मंत्र को जपते हैं। अगला है ओम गणाध्यक्षाय नमः। गणों के अध्यक्ष गजानंद महाराज हमारे, इसका उद्देश्य है इस मंत्र का अपने आप में नेता के गुणों को बनाने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आप अपने परिवार के प्रमुख हैं, अपने कंपनी के, अपने दल के, अपने मोहल्ले के, कहीं के भी प्रमुख, कहीं भी आप नेता के गुणों को, नेतृत्व के गुणों को, नेता शब्द वैसे हमारे भारत में काफ़ी बदनाम हो रखा है, लेकिन नेता बहुत ही अच्छा शब्द है, भले ही जो भी बदनाम होने का कारण है वो तो आप सभी जानते हैं, नेतृत्व के गुणों को, नेतृत्व को, लीडरशिप। तो ओम गणाध्यक्षाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः। चौथा है ओम विघ्ननाशाय नमः। विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। इस मंत्र का प्रयोग करने से, इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन की रुकावटें खत्म होती हैं। नंबर पाँच है ओम श्री गणेशाय नमः। ये तो हम सभी जानते हैं, है ना, इस नाम, इसको तो हम ना जाने कितने बार पुकार चुके हैं। किसी भी सकारात्मक शुरुआत के लिए, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इस डिवाइन का की ब्लेसिंग जब भी हम चाहते हैं तो ओम गणेशाय नमः कहकर या लिखकर शुरुआत करते हैं, तो एक सकारात्मक शुरुआत होती है। छठवां है ओम गम गणपतये नमः।
शरीर और सूक्ष्म शरीर पर सभी बाधाओं और रुकावटों को साफ करता है, जिससे एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्रकट करने में और प्राप्त करने में मदद मिलती है। हर तरह की बाधाओं को ये दूर कर देते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्रकट कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। अगला है ओम वक्रतुंडाय नमः। भगवान श्री गणेश के बड़े पेट को ध्यान में रखते हुए ये तारीफ उन्हें कही गई है, ये प्रशंसा उनके लिए कही गई है। इसके का उद्देश्य इस मंत्र को पढ़ने से क्या होगा? किसी भी काम में किसी भी कमी को सीधे ठीक करने में मदद करता है। मतलब कि भरपूरता, प्रचुरता, आवश्यकता से कहीं अधिक जो हमारे इस ब्रह्मांड में है, जो भी हमें चाहिए वो आवश्यकता से कहीं अधिक है, हमारे आवश्यकता से कहीं अधिक है। हर चीज़, रिश्ते, पैसे, स्वास्थ्य, सेहत, लोग, जगह, जमीन, हवा, पानी, हर चीज़ कमी में हम ही जी रहे। तो इस मंत्र के प्रयोग से प्रचुरता प्राप्त होती है आपको। अगला है ओम विकाताय नमः। दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, जो भी आप आगे जाकर करने वाले हैं, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कोई लंबा गोल है जिसकी तैयारी आज से आप कर रहे हैं, कुछ गोल लंबे ही होते हैं ना बेटा, जैसे कि 10वीं पास तो आप कब करेंगे? जब क्लास 1 से क्लास 10 तक पहुँचेंगे तभी 10वीं पास करेंगे, सीधे 10वीं पास नहीं कर सकते, आम का बीज आज लगाएंगे तो 2-3 साल बाद ही वो फलेगा। तो कुछ गोल्स लॉन्ग टर्म होते हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। अगला है ओम गज कर्णकाय नमः। उद्देश्य है बाहरी नकारात्मकता से व्यक्ति को ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। किसी भी तरह की बाहरी नकारात्मकता होती, नजर है, किसी का किया हुआ है, कोई जादू टोना है, किसी प्रकार का बैड थॉट कोई भेज रहा है, कहीं बाहर से कोई भी नेगेटिविटी आ रही है, उसको ढाल की तरह आपकी सुरक्षा करता है, आपकी भी और आपके अपनों की भी, आपके घर की भी। नंबर 10 है ओम सुमुखाय नमः। नाम से ही समझ में आ रहे हैं, व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य को सुधार करने में मदद करता है और सुंदरता को बढ़ाता है। आंतरिक सुंदरता, जब आप अंदर से सुंदर और सेहतमंद होते हैं तो बाहर से सेहतमंद और सुंदर दिखते ही हैं। आपकी बाहरी सुंदरता आपके अंदर की सेहत का ही प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है ना। अब हम आते हैं आखिरी 11वें नंबर का स्विचवर्ड मंत्र ओम लंबोदराय नमः। लंबोदर भगवान गणेश जी को हम पुकारते हैं। व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ प्रेम करने और एक होने की अनुमति देता है। जब हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मांड से हम एक होते हैं। हमें ये महसूस होने लगता है कि ना कुछ अंदर है, ना कुछ बाहर है, सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं ही सब में हूँ। ब्रह्मांड से प्रेम होता है। जब भी आप प्रेम के भाव में होते हैं, बेहद शक्तिशाली होते हैं। तो प्रेम के भाव को जगाने के लिए और सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। ब्रह्मांड से एकाकार हों। मैंने 11 मंत्र, 11 स्विचवर्ड बताए और सभी का उद्देश्य बताया। आप 11 के 11 को जप कर सकते हैं 11-11 बार रोज़, या किसी भी एक को जिसे आप चाहते हैं अपने जीवन में आप कर सकते हैं। बच्चा, जीवन में बहुत सारे हीलिंग विधाएं हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे स्विचवर्ड हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। किसी भी एक को पकड़ के आगे बढ़ें और उसी से ही आप पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने से अच्छा है 1, 2 या 3 विधाओं को, जिसको आप हमेशा कर सकते हैं वो करें। लंबे समय के सतत अभ्यास से ही हमें रास्ता और मंजिल दोनों मिलता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते है जी।